وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى, إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامين الكرام हम लोगों ने पिछले दर्श में पिछले एपिसोड में इन बातों को सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज्जत ने जंग की इजाज़त दे दी और इससे पहले हमने आपके सामने ये पेश किया था कि हिजरत करने के बाद भी मुशरक़ी ने मक्का ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा और हर तरह से वो कोशिश में लगा रहा कि कैसे उन्हें परेशान किया जाए कैसे उन्हें मगलूब किया जाए और कैसे उन्हें दबाया जाए इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग की इजाज़त दे दी और अभी जंग फ़र्ज़ नहीं किए थे मुसलमानों पर जो चाहे उसमें शामिल हों और कोई पीछे रह जाए तो उस पर कोई हर्ज नहीं है जब जंग की इजाज़त मिल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेहतरीन प्लानिंग किए थे उनमें से पहला प्लानिंग ये था कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जो इर्द गिर्द के इलाके थे जो दरमियान में बसने वाले लोग थे उन लोगों से आप सलाह अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाइए मिलिए और जा कर अच्छा के अच्छा अखलाक़ पेश कीजिए और उनसे दोस्ती कीजिए और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने दूसरा जो प्लान किए थे वो ये कि जो शाहरा है जहाँ परमूमी रास्ता है जिससे लोग ज़्यादा आते जाते हैं जहाँ पर जिन रास्ते से आदमी का आना जाना लगा रहता है और खसूसी तौर पर मक्का वालों का जिस रास्ते से होते हुए शाम जाता है उन रास्तों में पहरेदारी किया जाए और देखभाल किया जाए कि कौन आ रहा है कौन सा काफिला गुजर रहा है और कहाँ से आ रहा और कैसे आ रहा है ये अल्लाह के नबी वसल्लम ने दो प्लानिंग किए इन दोनों प्लानिंग के मुताबिक नबी सल ने अमल करना शुरू कर दिए और सबसे पहले तो सहबाई कराम की टीम को भेज करके उन्हें ये बताया गया कि जाओ और उन इलाके के लोगों से मिलो और उनसे दोस्ती करो और साथ ही साथ उन्हें बतलाओ कि अब हम मुसलमान कमज़ोर नहीं रह गए हैं जिस तरह से मो सितम हम पर किया जाता था मक्का में अब हम वो सहने वाले और ऐसे नहीं रह गए उस तरह कमज़ोर कहा कि अपनी ताकत को उनमें जाहिर करो इस्लाम और मुसलमानों का खौफ उनके दिलों में पैदा करो जिनका खौफ जैसे मुशरक़े ने मक्का का खौफ उनके दिलों में था कहा कि उनको निकाल करके मुसलमानों का खौफ उनमें बैठाओ और उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताओ कि मश्रक़े ने मक्का ने तुम्हें धोखे में रखा है इस्लाम ऐसा है और इस्लाम पर चलने वाले ऐसे हैं इसके साथ साथ के नबी अलैहि वसल्लम ने टीम को भी भेजना शुरू कर दिए कि कौन से टीम कहाँ जाएंगे और किस तरह कौन सा काफ़िला और कौन सा दस्ता कहाँ जाएंगे और किस तरह से वहाँ जाएंगे और उनके अमीर कौन होंगे इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सरिया सैफुल बहर यह सरिया समझ लीजिए उसको कहते हैं कि जिसमें नबी अलैहि वसल्लम उस जंग में नहीं गए हों बल्कि किसी एक सहाबी को किसी एक शख्स को अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अमीर बना दिए हों और उनको ये कहाओ कि जाओ उनसे जंग करो या उनसे मुक़ाबला करो या उनसे लड़ाई करो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खुद शरीक ना हो बल्कि किसी साहबी को भेज दिए हों तो उसी को शरिया कहते हैं और इसी तरह से गजबा उसको कहते हैं जिसमें नबी सल्वल वसलम बनब से नफीस खुद कायद रहा हो खुद अलैहि वसल्लम अमीर रहे हों उसको कहते हैं ग़बा तो सैफुल बहर इस एक टीम को एक दस्ते को अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक समुंदर के किनारे भेजा और वहाँ पर अल्लाह के नबी वसल्लम ने भेजने से पहले हैरत हमजारदीनघूँ को तीस महाजरीन को दे करके भेजे तीस महाजरीन को दे कर के भेजे और हैरत हमजा रदी अमीर थे कहा कि ज़रा जा करके देखो कि कुरेश का ये काफिला कहाँ है उनका पता लगा करके आओ जब ये लोग समुंदर के साहिल पर पहुँचे तो करीब था कि इन दोनों में जंग हो जाती लेकिन बीच में कुछ लोग आकर के जंग को ख़त्म कर दिए और वहीं पर रोक दिए इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद सन दो हिजरी में खुद एक दस्ते में और एक जंग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं और वो गजवाए ज़ुल उशरा हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसम डेढ़ सौ या दो सौ लोगों को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे और इसलिए निकले थे कि मक्का से एक काफिला शाम की तरफ जा रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वजह से निकले थे और याद रखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल लशरा जिस जगह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे वहाँ तक पहुँचे तो ये कुरैश का जो काफ़िला था वो पहले ही निकल चुका था आप गए उनका पीछा किया लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी पता नहीं लगा बहरहाल यहीं से समझिए तब जाकर के एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ हमें और आपको समझ में आएगी वो ये कि यही वो काफिला है यही वो है मक्का का काफिला है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से लौटते हुए जो तजारती काफ़िला था शाम से लौटते हुए अल्लाह के नबी वसल्लम इनका पीछा करने के लिए गए थे और इसी में एक सबसे पहली जंग इस्लाम का जो हुआ था हुई थी वो जंग थी जंग बदर इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों और काफिरों के दरमियान ये जंग हुई थी ये जंग हुई थी इसलिए कि शाम से वो काफिला लौट रहा था और ये अभी शाम की तरफ जा रहा था उसके पीछा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे इंशाल्लाह श्ला जंग बदर के सिलसिले में आपके सामने कल से शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि ज़ुल ओशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन लोगों का पीछा किया लेकिन वो लोग नहीं मिले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट गए इसी तरह से एक दस्ता सन दो हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं हैरत अब्दुल्ला बिन जहस को दे करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीर बनाने के साथ साथ एक लेटर दिए थे और कहा कि जब तुम दो दिन सफ़र कर चुके उसके बाद इस लेटर को खोलना और जो इसमें रहेगा उसके मुताबिक चलना वो अब्दुल्लह बिन जहश रज़ी अल्लाह गए दो दिन सफ़र किए उसके बाद खोल करके देखते हैं तो कहा जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें लिखते हैं कि जब तुम मक्का और ताइफ के दरमियान में नखला पहुंचोगे वहाँ पर जाकर के तुम रुक जाना इसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश अपने साथियों को लेकर के निकले और ख़त को पढ़ने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है और मैं तो इसके इसकी इताअत के लिए मैं चल निकलूँगा और आगे बढ़ूँगा जिनकी मर्ज़ी है वो आगे चलें और जो नहीं जाना चाहते हैं वो पीछे हट जाएं। बहरहाल जितने भी लोग थे कोई शख्स पीछे नहीं हटा सब के सब चल गए और ये रजब के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे बहरहाल उस काफले को इन लोगों ने पा लिया अब्दुल्ला बिन जहश और मुसलमानों ने और जो उनके साथ गए थे उनके साथियों ने इस काफ़िले को पा लिया और बिल्कुल रजब का आखिरी दिन था तो अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा कि देखिए रजब का महीना चूँकि हरमत का महीना है और अभी हम लोगों ने इनको पाया है और अगर रात हम लोग रुक जाते हैं तो ये काफिला हदूद हरम में जा कर के घुस जाएंगे दाखिल हो जाएंगे तो हमारे लिए हदूद हरम में तो इन्हें छूना भी मना है और जुर्म है इसलिए सबसे राय ली गई कि ये हरमत का महीना है तो किया, किया जाए तो कहा कि देखिए ऐसा किया जाए कि इन पर इनसे लड़ाई कर ली जाए तो उनसे लड़ाई हुई एक शख्स को मार दिया और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये काफ़िला आया लौट करके तो आप सल्लल्लाहु ने नेब्दुल्ला बिन जहज से पूछताछ किया कहा कि तुमने हरमत वाले महीने में ऐसा क्यों किया बहरहाल जब ऐसा हो गया हुरमत के महीने में मुशरकी ने मक्का ने पूरा प्रोपेगंडा खड़ा कर दिया कहा कि देखो मुसलमानों ने हुरमत के महीने में लड़ाई कर दी और पूरा शोर मचाना शुरू कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतों के ज़रिए से एक आदमी जो झगड़ालू होता है ना, वो अपना जो जुर्म होता है उनको छुपाता है और दूसरे का थोड़ा बहुत अगर उन्हें कोई गलती समझ में आता है वो उनको उछालता फिरता है तो मुशरकिन मक्का का यही मामला था नबी सलिल वसलम ने ये जो अब्दुल्ला बिन जहज़ को भेजे थे बस थोड़ी सी गलती हुई पूरा शोर मचाना शुरू कर दिया ने मक्का ने कि देखो मुसलमानों ने तो हरमत वाले महीने में भी लड़ाई नहीं छोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर इन्होंने एक थोड़ी सी गलती की तो इससे तुम बड़े बड़े जुर्म कर चुके हो कि तुमने उन महाजरीन को जो जुल्म सितम किया था जो उन्हें जान से मार दिया था और उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाई कहा कि वो कौन महीना था और तरह तरह की सितम जो तुमने मक्का में इन मुसलमानों के साथ किया था उस वक्त हरमत का महीना और उसकी ताज़ीम और उनका तकदस कहाँ गया था तुम्हारे नज़दीक कहा कि ये सब जुर्म तो तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा है ये तो मामूली सी ग़लती है उसके बाद अल्लाह के नबी सल वसलम को रब्लमी ने जंग फ़र्ज़ कर दिए कि तमाम मुसलमानों को जंग करने के लिए निकलना ही निकलना है इसके साथ साथ रब्लम ने आयतों में गाहे बगाहे ये लोगों को खुशखबरी सुनाते रहे कि तुम ही एक दिन ालिब रहोगे तुम ही एक दिन ालिब रहोगे ये चंद बातें थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवाए गजवाए बदर के पहले पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे इन अमाल को अब आपके सामने इंशाल्लाह कल से गजवाए बदर के सिलसिले में बातें रखेंगे कि ये गजवा और ये जंग क्यों हुई थी और किस वजह से हुई थी और कितनी तादाद थी और उन लोगों की क्या तादाद थी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इस्लाम पर कायम रखें और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफीक नसीब फरमाएं। आमीन जजाकम्ल्ला खैर